Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सिद्धार्थनगर जिले से सट्टा मित्र देश नेपाल है, जिसकी 68 किलोमीटर की खुली सीमा को छूता हुआ जनपद सिद्धार्थनगर है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा मैत्री संबंधों को और मजबूत करने के लिए इस सीमा पर इंडो नेपाल सड़क योजना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा उनकी खेत को सरकार द्वारा खरीदकर उनको उचित मुआवजा देकर इसको सड़क बना दिया जाएगा। बॉर्डर इलाके को प्रगतिशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना अब जनपद सिद्धार्थनगर के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है। सड़क मार्ग को बनाने के कई किसानों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, जिसमें शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम अरहिया गुजरौलिया गहावा में सड़क बन रही है। उसे विभाग द्वारा किसानों को जमीन बिना रजिस्ट्री के जबरन मिट्टी पटाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। समस्या है क्या हुआ तो? हमारी सर ये समस्या है कि हमारी जगह जो इंडो बॉर्डर नेपाल उसमें सड़क में जा रही है जी। तो हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, हम बहुत साल भर से और परेशान हैं। चार गुना हमको नहीं दे रहे हैं, तीन गुना दे रहे हैं, तो हमारा मुआवजा उसके पास जाते हैं वो इधर उधर दबक जाते हैं। वहीं इसी ग्राम पंचायत के दूसरी समस्या मुआवजे को लेकर भी ग्रामीण में लाभ बंद है। किसानों का कहना है कि गृह मंत्रालय द्वारा जो मुआवजे का मानक तय किया गया है उसकी रेट से हम सबको मुआवजा मिलना चाहिए और हमारी जमीन का रजिस्ट्रेशन आज के तारीख में होना चाहिए। जो आज का सर्कल रेट है उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान चार गुना मुआवजे पर टिका हुए हैं, जिससे कि इस सड़क योजना का कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। जगह है लेकिन जगह आगे 5-6 लोगों का है, तो जगह हम लोग के नाम से जा रही है और चेक सबके नाम से आ गया है 10-15 लोगों को, तो पैसा हम लोग का सब में बट गया है। समस्या यही है, सड़क में हमारी जमीनें जा रही हैं हमारे भाई के नाम से, उनको मना किया था पाटने के लिए, मुआवजा उसका नहीं मिला है। टीटीसी समस्या उस एरिया के जेई के द्वारा भी आ रही है, जहां उनके द्वारा ग्रामीण को धमकाया भी जा रहा है, जिससे कि किसान बहुत ही परेशान हैं। वहीं उनके द्वारा जबरन जमीन लेने व रुपए की मांग किए जाने की बात भी सामने आ रही है। किसानों द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है। इस मामले को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि बिना रजिस्ट्री के किसी की जमीन पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगर कहीं किसी कर्मचारी के द्वारा ऐसी पैसे की मांग की जाती है तो सूचना मिलने संबंधी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा मामला यह है, मेरी जमीन इंडो बॉर्डर नेपाल प्रोजेक्ट में जा रही है, उसका मुआवजा अभी तक जेई महोदय ने नहीं दिया। जिला अधिकारी के पास हमने बहुत एप्लीकेशन डाला और बहुत सारी शिकायत बताया और यहां से लखनऊ तक हमने अपना संदेश पहुंचाया, बाकी हमारी सुनवाई अभी तक नहीं। सिद्धार्थनगर से PSS के संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।